आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इन अ प्लेन रेडियो वेव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इज 5.0 वोल्ट पर मीटर्स। ओके, तो हमें जो ई नॉट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू ई नॉट, वो दे रखी है 5 वोल्ट पर मीटर्स। ठीक है, ये डेटा हमारे पास है। अब हमें कैलकुलेट करना है ए पार्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट। इसका मतलब हमें बी नॉट की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो इसके लिए तो हमारे पास एक सिंपल रिलेशन है, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5 अपॉन C की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸। तो हमारा आंसर आ गया 1.67 × 10⁻¹ टेस्ला। ओके, तो ये आ गया हमारी बी नॉट की वैल्यू। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया यहीं पर कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें वेव की इंटेंसिटी बतानी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, वो होता था एप्सिलॉन नॉट सी बाय 2 × ई नॉट का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻¹। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ई नॉट की वैल्यू होती है 5, मतलब होती क्या, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 5 का स्क्वायर अपॉन में 2। एंड इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है 3.31 × 10⁻², वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गए हमारे इंटेंसिटी का आंसर। तो ये रहे हमारे दोनों पार्ट्स के आंसर्स आ गए। तो आई होप सबको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।